सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक सुंदर सा बोटनेक बनाना सीखेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है बोटनेक। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी भी आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें अपना वेस्टिंग पेपर लेना है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 6.5 इंच और उसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच। सबसे पहले फ्रेंड, हमें अपनी गले की चौड़ाई रखनी है, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम या ज्यादा। मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है यहाँ से 5 इंच, आप चाहे तो 6 इंच या 4 इंच, वो आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं। और उसकी लंबाई मुझे रखनी है 4 इंच। ठीक है, इस लाइन को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए, हमने लाइन को अपना ऐसे लाइन खींच ली है। अब इसके बाद हमें अपनी बोट नेक की शेप देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बीस सेंटर है इसको ऐसे एक बार निशान लगा लेते हैं, फिर इसको ऐसे खोल के इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं ताकि निशान हमारा इधर आ जाए अपने बीस सेंटर से। देखिए, ये हमारा दोनों तरफ ऐसे निशान आ गया। ये हमारी बोट नेक की शेप हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक अपनी ऐसे लीफ काट के रखी है, उसको हमें यहाँ पर लगाना है। उसको काटना कैसे है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड, आपको एक छोटा सा ऐसा कैनवास पेपर लेना है अपना, और इसको एक बार फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे एक बार इसकी कटिंग कर देगी। ठीक है, उसके बाद आपकी ये शेप आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप पहले काट के रख सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, जो हमारा बी सेंटर है, सबसे पहले हमें इस पर एक बी सेंटर पे ऐसे निशान रखेंगे इसको, और यहाँ से अपने निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ऐसे ही आपको जितनी आप कोई ऐसी लीफ बनानी है उतनी जगह आप निशान लगा सकते हैं एक ऐसी, या आप हो सके जैसे आप अंदाजे से मुझे 2 इंच छोड़ के ऐसे लगानी है, ऐसे निशान लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ से ऐसे निशान लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड, हमें सारी अपनी ऐसी लीफ को निशान लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से अपनी इसकी कटिंग करनी है। हमने कटिंग कर ली है, अब हमें क्या करना है, एक कपड़े पे इसको प्रेस से चिपकाना है बिल्कुल सेंटर में करके। और फ्रेंड, जब हम यहाँ से चिपकाएंगे इसको हमें पास में ऐसे रख के नहीं चिपकाना है, थोड़ा हल्का सा गैप करके चिपकाना है ताकि हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो हमें सिलाई लगाने में परेशानी नहीं होगी और हमारी सिलाई कटने का डर रहता है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा चौड़ा करके ऐसे करके नहीं, थोड़ा हल्का सा गैप करके जब करना है। इसको हम पहले चिपका लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड, इसको हमने चिपका लिया, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखकर इसमें से कटिंग करें ताकि वो हमारा फोल्ड हो जाएगा इसका।
बारीक बारीक इसको फोल्ड कर देना है। चलिए इसको फोल्ड करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने नीचे से ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका भी सेंटर पे निशान लगाना है ऐसे लंबा, और जो हमारी सूट का फ्रंट पार्ट है जिसपे हमें अटैच करना है गला, उसके हमें बी सेंटर पे यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक और लंबाई में भी लगाना है। इसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है, हमारा ये सेंटर और सेंटर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा गला तिरछा हो जाएगा इसको। और उसके बाद हम बीच में एक अच्छी सिलाई लगा लेते हैं ताकि गला हमारा हिलेगा नहीं बीच में से। सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने यहां से बिल्कुल कोने से सिलाई लगाते हुए यहां पर सुई रोक के इसके अंदर ऐसे सारे में सिलाई लगानी है। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। देखिए अब हमें यहां से सिलाई लगाते हुए आना है, बिल्कुल किनारे से बुकरम पे सिलाई नहीं चढ़ानी है, ऐसे यहां रोक के थोड़ा इसको घुमा के फिर इसकी देखिए ऐसे हमने एक पे सिलाई लगा ली है, तो ऐसे हमें दूसरे में लगाने हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने पूरे इस नेक में अपनी सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई है उसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोड़ के ऐसे अब हमें यहाँ से कट करते हुए अंदर से भी बिल्कुल ऐसे पास पास में इसकी पूरे की कटिंग करनी है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड, ये हमने ऐसे कटिंग कर ली है इसकी। अब हमें क्या करना है, जो हमने कट करा है कटिंग करी है इसकी, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कट लगाने ताकि हम फोल्ड करने में परेशानी नहीं होती, वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। सारे में ऐसे कट लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने सब में कट लगा लिए। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे धीरे से जो हमारे कोने इसको जो सीजर की सहायता से या इसलिए होता है मशीन के ऊपर, ठीक है, इसमें ऐसे डाल के इसको ऐसे कोने निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें सारे जो हमारी ये पत्तियां बनी हुई है उनको ऐसे सीधा कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसको फोल्ड करने के बाद इसे प्रेस लगा लिए। अब हमें क्या करना है, इस पर ये पाइपिंग अटैच करनी है। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग मैंने घर पर ही बनाई है, आप चाहे तो वैसे मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अब हमें यहाँ से पाइपिंग ऐसे अटैच करते हुए जानी है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे मशीन का फुट होता है मुझे चेंज करना है, ठीक है। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, मुझे ये वाला फुट लगाना है, सिंगल फुट। देखिए ये हमने अपना फुट चेंज कर लिया। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पाइपिंग लगाने के बाद रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे होल हैं ऐसे यहाँ पर ऐसे ये बटन अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे इनमें लगाना है। पहले इसको बटन लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।